अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूफाज चैनल। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक और रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि आजकल बड़ा ब्रांड जो है वो इन हुआ है। सो मैंने सोचा कि ना उसका भी रिव्यू किया जाए। तो जैसा कि आपने मेरे टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज मैं आपके साथ जो है चिल्टन प्योर जो है फ्रैकल फेड सीरम है, जिसका जो है मैं आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन की जो है वो बड़ी ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑफ द डे लाइक तो बनता है। शुरू करते हैं जी। अगर तो आप मेरे फॉलोअर हैं रेगुलर, तो आपको पता होगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले मैं उसको पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, देन मैं आपके लिए जो है उसका रिव्यू लेके आती हूँ। तो खैर, ये है जी चिल्टन प्योर का फ्रैकल वाला सीरम। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये मैंने कैसे लिया। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, डिस्काउंट पर चल रहा था और मुझे 999 रुपीज़ में फ्री डिलीवरी के साथ मिला था। बाकी जहाँ तक बात है पैकिंग की, तो बड़ी क्यूट सी बॉटल है, मतलब इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी, इसके अंदर ये वाली बॉटल है, सीरम की बॉटल, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रही है। फ्रैकल फेड सीरम, और ये हाइड्रेट करता है स्किन को, फ्रैकल्स को फेड करता है, यानी कि कम करता है और ख़त्म करने की भी कोशिश करता। खैर, अच्छा, बाकी जहाँ तक बात आ गई इनकी, तो बाकी आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चीज़ लें तो उसको ज़रूर देखें, उसका जो हाउ टू यूज़ है वो ज़रूर देखा करें। यहाँ पे ज़रा ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस तरह लगाएं, 2 to 3 drops लगाएं, अप्लाई करें, बट जो मेरा तरीकाकार है वो है रोज़ रात को, जैसे कि अपने आप मेरी वीडियोज़ देखी हैं, तो अपना फेस क्लिनस करती हूँ और हाइड्रेट करती हूँ, देन लास्ट में मैं इसे लगाती हूँ। पिछले 1.5 months से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसका जो है ना आपके लिए लेके आई हूँ रिव्यू। अब आ जाते हैं हम इसके टेक्सचर की तरफ। ये आप देख सकते हैं लिक्विडी ट्रांसपेरेंट जो है इसके अंदर लिक्विड है, जो सीरम है बिल्कुल वो नहीं, बस आपको लगता है इसे ऑयली या चिकना, थोड़ी देर बाद एकदम से वो स्किन में डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो जहाँ तक बात है इसकी खुशबू की, तो इसकी खुशबू अगर आपने प्योर एलोवेरा जेल घर में यूज़ किया है या फ्रेश लिया है, एग्जैक्ट उसकी तरह प्योर जो घर में होता है, जो हम लाते हैं वो 99% हो, जितना भी उसमें एक आधा कुछ ना तो कुछ होता है, फ्रेग्रेंस होती है या कोई और डला होता है, सो प्योर की तरह इसकी खुशबू है। बाकी जहाँ तक बात है इसमें क्या क्या डला हुआ है इंग्रीडियंट्स, वो मैंने देखा है वो कहीं भी नहीं है। ये आप इनको मेरी तरफ से ये कह सकते हैं कि माइनस भी है पॉइंट, क्योंकि मुझे लगा कि होना चाहिए, स्किन का मामला है तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ऐसे लगता है जैसे एलोवेरा जेल है ये फ्रेश, बट हो सकता है कोई और भी चीज़ उन्होंने ऐड की हो। खैर, अब आते हैं जी इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत हद तक 50-50 भी होंगी, हाँ ये आप कह सकते हैं कि 30% जो है ना वो फ़र्क पड़ा है, बट वो 30% सिर्फ की वजह से पड़ा है या मैं लगाती रहती हूँ विटामिन सी की भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं मैं सनस्क्रीन जो है सन ब्लॉक भी यूज़ करती हूँ, सो आई एम कन्फ्यूज़्ड। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से करें, मैं पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। बाकी ये है कि और कुछ हो ना हो, स्किन फ्रेश हो जाती है, क्लीन हो जाती है, क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल है तो फिर तो स्किन के लिए ऑफकोर्स ये अच्छा ही है। सो जनाब, ये था मेरा रिव्यू। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़रूर लें, बट ऐसा कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। बाकी अगर आपको फ्रैकल्स हैं तो कम से कम आप जो सन ब्लॉक है वो ज़रूर यूज़ करें, उसके साथ भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।